टेक्नोलॉजी की बदलती हुई जमाने में सुरक्षित रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और हम तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं जब तक हमारे पास सही नॉलेज ना हो। और इसलिए मैंने YouTube पे स्टार्ट किया है बी सिक्योर बी सेफ सीरीज, और इस सीरीज की सभी वीडियो आप लोग जरूर देखना, नीचे मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है। और एक जरूरी बात, इस सीरीज की सभी वीडियो मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ अपलोड किया है, तो कोई भी यूट्यूबर इस सीरीज की किसी भी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंताज भंग, इंताज टेक्निकल, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि रैनसमवेयर क्या होता है। दोस्तों, रैनसमवेयर एक मालवेयर होता है, और मालवेयर क्या होता है ये मैंने अगले वीडियो में बता दिया है, और मालवेयर हमारे डिवाइसेस में कैसे आता है वो भी बता दिया है। तो वो वाला वीडियो और बाकी सारे बी सिक्योर और बी सेफ सीरीज का सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे दिया है। पहले वाले लिंक को ओपन कर लेना, प्लेलिस्ट लिखा होगा वहाँ पर, उस लिंक को ओपन करके देख लेना सभी वीडियो। और पार्ट नंबर 2 जहाँ पर मैंने बताया कि मालवेयर क्या होता है और कैसे हमारे डिवाइसेस में आते हैं। दोस्तों, किसी भी मामले में अगर दो सवाल का जवाब हमारे पास होता है कि इसका सोर्स क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये दो सवाल का जवाब अगर हमारे पास होता है तो कोई भी मुश्किलात हो उसे हम आसानी से फेस कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि रैनसमवेयर कैसे हमारे डिवाइसेस में आते हैं, मतलब इसका सोर्स क्या है। अगर ये दो सवाल का जवाब हमारे पास होता है तो चाहे कोई भी मामला हो उसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि रैनसमवेयर हमारे डिवाइसेस में कैसे आते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि रैनसमवेयर क्या होता है। दोस्तों, रैनसमवेयर एक मालवेयर होता है, लेकिन ये अलग ही टाइप का मालवेयर होता है, और ये छुपा होता है किसी भी एप्लीकेशंस के साथ। अगर आप किसी भी मैलिशियस वेबसाइट पर जाके पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, या फिर किसी भी अननोन वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, या फिर कोई भी मॉडिफाइड वर्सन, पेड वर्सन का जो फ्री वर्सन होता है, मॉडिफाइड वर्सन या फिर क्रैक वर्सन, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, तो उसके साथ मालवेयर आपके डिवाइसेस में आ सकते हैं। और जब उस एप्लीकेशंस को, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ जो मालवेयर होता है वो भी इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद वो मालवेयर आपके पूरे सिस्टम को, उस पूरे मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, उसके अंदर जो भी डेटा होता है सबको लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, और उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उस पर कंट्रोल होता है उस मालवेयर को जिसने बनाया है उसका। और उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन में सब कुछ लिखा आता है कि आपका जो सिस्टम है उसे लॉक कर दिया गया है, और इसको आप खोलना चाहते हो तो हमें इतना पैसा दो, इतना रुपया, इतना डॉलर, इतना बिटकॉइन दे दो, उसके बाद एक कोड भेज दूंगा मैं, वो कोड आप डाल दोगे तो आपका जो सिस्टम है ऑन हो जाएगा। अगर आप ये पैसा हमें नहीं दोगे तो आपका जो डेटा है वो हम इंटरनेट पर लीक कर देंगे, इस तरह का डर दिखाते हैं आपको, या फिर कहते हैं कि डिलीट कर देंगे। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर किसी का डेटा है तो उसे चाहिए ही चाहिए, तो वो जरूरी में चाहे जितना भी पैसा मांगता है वो दे देता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि हैकर दोबारा रैनसमवेयर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हैकर ने रैनसमवेयर अटैक किया होता है, लॉक खोलने के बाद भी उसके हाथ में कंट्रोल होता है कि दोबारा वो कर सकते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए रैनसमवेयर अटैक से पहले से ही, ताकि हम रैनसमवेयर अटैक में ना फंसे। तो जान लेते हैं कि रैनसमवेयर अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें हमेशा एक बैकअप लेके रखना चाहिए। आप जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसका अलग बैकअप लेके रखना चाहिए, और जो भी डेटा हमारे सिस्टम में आएगा उसका कॉपी बना के दूसरे स्टोरेज में सेव करके रखना चाहिए, और उसे हमेशा डिस्कनेक्ट करके रखना चाहिए। जब डेटा कॉपी होगा उस टाइम भी कनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी रैनसमवेयर अटैक होगा अगर कनेक्ट रहेगा तो दोनों ही एनक्रिप्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, हमें कोई भी मैलिशियस वेबसाइट से या फिर अननोन सोर्सेस से एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कोई भी रिलायबल रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से हमें एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहिए, जैसे कि गूगल का ऑफिशियल ऐप स्टोर, आईफोन का ऑफिशियल ऐप स्टोर, विंडोज़ का ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाकर ही हमें एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करते हैं तो जिस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रहे हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके हमें एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, कोई भी ईमेल से हमें कुछ भी अटैचमेंट फाइल डाउनलोड करने से पहले उसे ठीक से स्कैन करना होगा और ठीक से देखना होगा, उसके बाद डाउनलोड करना चाहिए। अगर उससे पहले हम बिना देखे डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को, तो हम फंस सकते हैं किसी रैनसमवेयर अटैक में या फिर दूसरे किसी भी अटैक में। स्टेप नंबर 4, हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर एक फायरवॉल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर एक पेड एंटीवायरस यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि क्विक हिल सिक्योरिटी, मालवेयर वाइट्स,
इस टाइप की एक अच्छा खासा रिप्यूटेड एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दूसरे कोई भी फ्री एंटीवायरस यूज़ करेंगे तो उससे सिर्फ कैचे फाइल या फिर नॉन यूजेबल जो यूज़ नहीं होता है उस टाइप का फाइल ही क्लियर कर पाएंगे, किसी भी अटैक से हम नहीं बच पाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो है एडवेयर के बारे में, तो एडवेयर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।